हैं। दंतेवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, 1 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर हुआ है। महिला नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थे सभी नक्सली, हत्या, लूट, आगजनी जैसी कई वारदातों में शामिल थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत किया गया सरेंडर इस महिला के द्वारा। दंतेवाड़ा एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण इस महिला नक्सली ने। ये बड़ी खबर मिल रही है, लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया इस महिला नक्सली ने। दंतेवाड़ा एसपी के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 1 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर हुआ है। महिला नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थे ये सभी नक्सली, हत्या, लूट, आगजनी जैसी कई वारदातों में शामिल रहे ये तमाम नक्सली। लोन वराटू अभियान के तहत ये सरेंडर हुआ है। ये तस्वीरें भी हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। महिला नक्सली सहित 4 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है कुल। कटे कल्याण एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे सभी, और लोन वर्राटू अभियान के तहत ये सरेंडर इन नक्सलियों ने किया। ये हत्या, लूट, आगजनी जैसी कई वारदातों में शामिल रहे हैं। दिनांक 11 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस से पहले जिला दंतेवाड़ा में हमारे सामने कुल 4 माओवादियों ने समर्पण किया है, जिनमें से एक महिला जो है वो 1 लाख की इनामी है, बाकी 3 माओवादी संगठन के सदस्य हैं।